हमारे यहाँ ना ये काफी बोला जाता है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला जो है मुझे इनिशिएटिव लेने की तौफीक अता फरमाए, मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे दे, हिदायत दे दे, हिदायत दे। अगर तुम अपने कदम आगे ही नहीं बढ़ाना चाहते तो तुम किसी से हिदायत की तलब ना करो, तुम्हें तौफीक मिलेगी। तो अल्लाह कह रहा है कदम बढ़ाओ, डिसीजन लो, लेकिन तुम्हारा पहला कदम मैटर करता है। यहाँ पर जो लफ्ज है, जो असल हमने इस आयत के अंदर फोकस करना है, वो है यहदीहिम रब्बुहुम बी ईमानी, कि अल्लाह ताला उनके ईमान के सबब उनको हिदायत देगा। हमारे यहाँ ना ये काफी बोला जाता है कि आप दुआ करें अल्लाह ताला जो है मुझे इनिशिएटिव लेने की तौफीक अता फरमाए, मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे दे, हिदायत दे दे, हिदायत दे। हिदायत का सबब है ईमान। तुम ईमान बढ़ाते चले जाओगे, वो हिदायत बढ़ाते चले जाए, तुम उसकी तरफ कदम बढ़ाते चले जाओगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाते चला जाएगा। इट्स नॉट लाइक, कहते हैं ना, यू कैन नॉट आस्क समवन टू गाइड यू अनटिल अनलेस यू आर नॉट willing to move your feet। अगर तुम अपने कदम आगे ही नहीं बढ़ाना चाहते तो तुम किसी से हिदायत की तलब ना करो। तो अल्लाह कह रहा है कदम बढ़ाओ, डिसीजन लो। लोगों के फैसलों की वजह से अल्लाह ने उनको रास्ता दिखा दिया। पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह हाथ पकड़ लेता है इंसान का, अल्लाह सहारा देता है उसको, लेकिन तुम्हारा पहला कदम मैटर करता है। तुम्हें तौफीक मिलेगी, कदम उठाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा उस दरिया में, अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा कि तुम्हें स्विम किस तरह करना है। कहते हैं कि यू लर्न टू स्विम व्हेन यू टेक अ डाइव, छलांग लगाओगे तैरना सीख जाओगे, तैरना अल्लाह सिखाएगा, छलांग तुम्हें लगानी पड़ेगी। तुम ये नहीं कह सकते कि आप मुझे, अल्लाह आपने मुझे छलांग लगाने की, फैसला लेने की तौफीक नहीं दी, सबको दी है। फैसला लेने के बाद इस्तकामत अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नसीहत मांगी ना किसी ने, तो आप सबने कहा कुल आमंतु बिल्लाह फस्तकिम, कह दे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, उसके बाद डट जा। ये जो डट जाना है ना, ये हिदायत, तुम कदम उठाते रहो, उठाते रहो, उठाते रहो, ये जो इस्तकामत है ये अल्लाह की हिदायत। यहदीहिम रब्बुहुम बी ईमानिहिम की तफसीर बाज मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये जो ईमान बढ़ता जाएगा तो हिदायत भी बढ़ती जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें मजीद रोशनी अता करे, तुम्हारे दिल को मजीद मुनव्वर करे, तुम्हें जिंदगी में मजीद तौफीक देते चला जाए, अपने ईमान को बढ़ाना शुरू करो। ईमान बढ़ता है दो चीजों के साथ। ईमान बढ़ता है या तो यकीन के साथ, तुम अपना यकीन बढ़ाते चले जाओ अल्लाह पर, या फिर सबर के साथ, तुम सबर करते चले जाओ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह हिदायत बढ़ाते चले जाओ।